दोस्तों, मैं अपनी बात रखूं कि आज संविधान दिवस से ठीक एक दिन पहले यह संविधान बचाओ यात्रा संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, उससे पूर्व मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपना शोक व्यक्त करता हूं उन परिवारों को लेकर झारखंड में जहां 14 लोग कुपोषण के चलते मर गए हैं, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और देश की सरकार को इस मंच से लानत भेजता हूं कि आप मन की बात करते हैं लेकिन भूख की बात आप नहीं करते हैं और काम की बात नहीं करते हैं। दोस्तों, अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे एक मीडिया के साथी गिड़ गए। हमने कहा, साहब आप मत गिरिए, इस देश का सरकार गिरा हुआ है। नहीं, हंसिए नहीं, देश का सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टी का मुखिया यदि गिर जाए तो यह हंसने की बात नहीं है, यह सोचने और दुखी होने की बात है कि जो कहता है कि 50 साल तक राज करेंगे, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और उस सरकार के संबंध में आज हमारे मीडिया के साथियों ने दो तीन महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। पहला कि अचानक से संविधान कैसे खतरे में आ गया। हम बोले, नहीं सर, संविधान अचानक से खतरे में नहीं आया है। पिछली 26 तारीख को भी इसी भूमि पे देश के तमाम राजनीतिक दलों ने, ऑब्वियसली उनको छोड़कर, किनको? चौकीदार को, पार्टी को, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौकीदार को, हाँ, डरते थोड़ी हैं हम लोग। भाजपा को छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक दल 26 नवंबर को यहाँ पे रैली किए थे और अलग अलग मौके पे संविधान की रक्षा के लिए वो रैलियां करते हैं। तो संविधान अचानक से खतरे में नहीं आया है। अब मैं एक एक करके गिना देता हूं। 4.5 साल में इन्होंने जो किया है उसको गिनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। राफेल का दाम थोड़ी है जो बता नहीं सकते, उसको तुरंत गिना सकते हैं। पहला, जब ये आए शपथ लिए तो संसद भवन के सामने मत्था टेके, ऐसा लगा कि सब सचमुच का इनको संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र में बड़ा भरोसा है। लेकिन आते ही क्या किया, कहा कि विपक्ष का नेता होना जरूरी नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। ठीक बात है, आपको 283 सीट मिला है, 56 इंच का आपका सीना है, ऐसा आप कहते हैं, हम नहीं कहते। तो आप चाहें तो विपक्ष का नेता नहीं हो, लेकिन यह कहा जाता है कि लोकतंत्र में यदि विपक्ष नहीं हो तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही व्यवस्था है। पहली बात, और आप सब याद कीजिएगा, एक एक पॉइंट में गिना देता हूं। दूसरी काम, दूसरा जो काम इन्होंने किया, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी बातचीत के योजना आयोग को समाप्त कर दिया। योजना आयोग का क्या नाम है? नीति आयोग। प्रधानमंत्री नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे, हम एक एक सच आपको गिनाते हैं। भर दिया। इसी महाराष्ट्र की धरती पर एक इंस्टीट्यूट है, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर को मन मर्जी से इन्होंने बदल दिया। बदला था कि नहीं बदला था? उसके बाद एक एक करके इन्होंने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला करना शुरू किया। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको चुनाव आयोग का देता हूं। चुनाव आयोग, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसको लेकर के पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, फिर चुनाव आयोग को याद आता है और गर्मी में चुनाव आयोग कांपने लगती है, थरथराने लगती है कि साहेब का सभा है और साहेब जो है अपने सभा में कुछ जुमला फेंक सकते हैं, इसीलिए चुनाव की घोषणा उनकी सभा से पहले नहीं होनी चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करके जब साहेब का चुनावी सभा हो गया उसके बाद चुनाव के डेट अनाउंस किए गए। ताजा तरीन बात है, याद दिला देता हूं,
और दूसरी बात, चुनाव आयोग के घोषणा करने से पहले बीजेपी के आईटी सेल के हेड जिनका नाम अमित मालवीय है, अमित शाह नहीं है, अमित मालवीय है, अमित मालवीय डेट ट्वीट करता है, मतलब चुनाव आयोग से पहले उसको डेट पता है। अभी सीबीआई सीबीआई के खिलाफ रेड कर रहा है, आरबीआई जिसमें ये कहते थे कि हमारे लोग हैं, आरबीआई सरकार के खिलाफ है और आरबीआई ने सरकार को पैसा देने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर के बोले कि 3,00,000 करोड़ काला धन वापस आया है, आरबीआई ने कहा कि 1 पैसा काला धन वापस नहीं आया है, मतलब वो नहीं कह सकता है, आरबीआई सरकारी नौकरी कर रहा है इसलिए नहीं कह सकता है, लेकिन हम तो कह सकते हैं कि गप्पू जी झूठ बोल रहे हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि अभी एक डेटा आया है कि टीवी पे अखबार में सबसे ज्यादा विज्ञापन बीजेपी देती है, और आपको मालूम है नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा खर्चा करती है बीजेपी प्रचार। तो नेटफ्लिक्स तो मनोरंजन बेचती है, ये क्या बेच रहे हैं, ये अंबानी और अदानी के पक्ष में इस देश का सौदा कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान खतरे में है।